खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां विकास खंड पूरे डलई के ग्राम कस्बा इचौली में एक ग्राम प्रधान पुत्रों द्वारा दबंगई के बल पर रोजगार सेवक से मारपीट का मस्टर रोल में फर्जी लोगों को बढ़ाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में बुधवार को रोजगार संघ के बैनर तले जमकर नारेबाजी भी की गई। पीड़ित रोजगार सेवक ने गुरुवार को खंड विकास अधिकारी से मिलकर मामले की लिखित शिकायत भी की है, जिस पर खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें, विकास खंड पूरे डलई की ग्राम पंचायत कस्बा इचौली के ग्राम रोजगार सेवक राजेश कुमार को ग्राम प्रधान पुत्र ने फर्जी हाजिरी भरने के लिए कह रहे थे। रोजगार सेवक ने जब मना किया तो ग्राम प्रधान पुत्रों ने रोजगार सेवक के साथ गाली गलौज के साथ साथ मारपीट की। रोजगार सेवक के साथ मारपीट पर दुर्व्यवहार की घटना से जिले भर के ग्राम रोजगार सेवकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पूरे डलई खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाराबंकी के रोजगार सेवक जिलाध्यक्ष आकाश त्रिपाठी ने बताया कि अगर 3 दिन के अंदर दोषी प्रधान पुत्र प्रतिनिधि पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार को जिले भर के समस्त रोजगार सेवक विकास खंड कार्यालय पूरे डलई का घेराव करेंगे। ग्राम रोजगार सेवक कस्बेचौली, क्या मामला था आपका? मामला ये था कि एक चकबंद कटाई का कार्य चल रहा था, उस पर मस्टर रोल निकले थे लेकिन काम न लगे होने की वजह से मास्टर रोल हमने मतलब जो है अटेंडेंस नहीं भरी, उसको एब्सेंट किया। जब काम नहीं चल रहा तो हमने नहीं किया, तो बोले कि जो है अटेंडेंस जो आपने क्यों मतलब जो है एब्सेंट क्यों किया, तो हमने कहा काम न चलने की वजह से किया है। तो बस इसी बात को लेकर मारपीट करने लगे, मारा पीटा हमको और अभद्र गालियाँ भी दी, और उसके बाद जो है फ़ोन पर धमकी भी मुझे दी गई कि तुम्हें जो है तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरवा देंगे और तुम्हारे ऊपर हरजन एक्ट जो है लगवाएंगे, बस समझ में आ जाएगा तुम्हारे। इसकी शिकायत आपने कही की? जी, हमने जो है आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय को दी है, आगे जो भी कार्रवाई करेंगे उसके बारे में। उन्होंने कोई आश्वासन वगैरह दिया? आश्वासन दिया है कार्रवाई के लिए, अब देखते हैं क्या होता है।